सो हे गाइस, आज हम बात करने वाले ना कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो कि हम लोग को पैदा होते ही फ्री फंड में मिलते हैं। इनको फर्क नहीं पड़ता भाई शीला जवान हो रही हो या मुन्नी बदनाम हो रही हो, लेकिन इनको तुम्हारे अंदर उंगली देनी ही देनी है। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। इन लोग को पता नहीं क्यों भाई अपने बच्चों से ज्यादा तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट रहता है। और इनके जोक्स भाई साहब इतने घटिया कि भाई यार मैं बोलू तो बोलू भी क्या। तो इतनी तारीफों के बाद पता लग ही गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं रिश्तेदारों के बारे में। आज की वीडियो का आइडिया भाव्या शर्मा ने दिया था बहुत ही टाइम पहले। सॉरी बहन, मैं काफी देर से ये चीज ट्राई करना चाह रहा था लेकिन हो नहीं पाया। वेल डन, तालियां होनी चाहिए। तो अगर तुम लोग को भी किसी टॉपिक पे वीडियो बनवानी होती है, कमेंट खाली पड़ा हुआ है, जाके उधर भर दो, स्पैम कर दो यार जो भी तुम्हें वीडियो चाहिए। ये एक ऐसी प्रजाति है जिनसे मिलना तो कोई नहीं चाहता, मगर क्या करे भाई, मजबूरी का नाम बच्चे हैं और उसके अलावा कर भी क्या सकते हैं। यकीन नहीं मानोगे भाई, कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो तुम्हारे घर के अंदर कुंडली मार के बैठ जाते हैं, यानी कि इनका सुबह तुम्हारे घर आना कंफर्म होता ही होता है। और आते तो हैं लेकिन तुम्हारी चीजों का ऐसे यूज करेंगे, मतलब बेड के ऊपर यूं टांगे फैला के लेट जाएंगे मानो इन्हीं से उधारी लेके आए हो। और इतना ही नहीं भाई साहब, इन लोगों से चाय पूछते नहीं, ये लोग खुद चाय का ऑर्डर देते कि बेटा जरा चाय ले आना। शर्म और लज्जा तो कतई बेच खाए होते हैं साले। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। कुछ रिश्तेदार भाई इतने अननोन होते हैं, इतने ज्यादा अननोन होते हैं कि उनको मैं तो छोड़ो मेरे घर वाले तक नहीं जानते, लेकिन उसके बाद भी जब भी देखो तब अपनी अजीब सी थूथ लेके मेरे सामने आ जाएंगे और बोलेंगे, बेटा पहचाना पहचाना बेटा मुझे। नहीं मैं नहीं पहचाना, मतलब कौन? अरे बेटा 20 साल पहले तुम मिले थे। अबे 20 साल पहले मैं अपनी मम्मी छोड़ अपने पापा के अंदर हुआ करता था। मतलब लॉजिकल बातें इनके सामने होती नहीं है और ना ही ये कर सकते। टाटा, जब भी ये लोग ग्रुप बना के बैठेगा ना सिर्फ एक ही बात होगी कि बेटा ये जो जगह है ना, ये जो जितनी भी दिख रही है जहाँ पे तुम्हारा घर बना है, पहले सब खेत हुआ करता था, ये क्या है सब अपनी आंखों के सामने। अरे सब इनके आंखों के सामने बनाओ तो ताजमहल तक इनके आंखों के सामने बना। हाथ कटने के बाद ना मजदूरों को ये खुद अपने हाथों से बीड़ी पिलाया करते थे। मतलब भाई इतनी लॉजिकल बातें करते कहां से हो। अरे भाई मैं मान गया यहां पहले खेत हुआ करता था, लेकिन एक बार बता दो, लेकिन वही चीज 10 करोड़ बार मैं कैसे सुन सकता हूं। अब मैं बात करने वाला हूँ आंटीज के बारे में। देखो आंटीज का सिंपल सा रोल यही रहता है ना कि सीसीटीवी से ज्यादा तेज निगाहें इनकी होती हैं। वो सिर्फ कहने के लिए चावल बीनते वक्त अपनी आंखों में चश्मा पहनती, लेकिन इनकी आंखें हाय हाय हाय, इन आंटी से दूसरे की खुशियां देखी नहीं जाती। मतलब अगर किसी का बच्चा अच्छा कुछ कर दिया मादरचोद के बच्चे, तब तो उसकी गांड में घुस जाएंगे कि कहीं ना कहीं से कोई तो ऐसी हरकत मिले जिसको लेके मैं ऐसा गाऊं ना पूरे मोहल्ले भर में कि भाई बवाल मच जाए। ये जो दिल में कयाम करते हैं यही जीना हराम करते हैं। मेंटल खुद के 60-70 बच्चे पैदा कर चुकी हूँ, उसके बाद भी भाई साहब लड़का लड़की हाथ पकड़ के जा रहे हैं, बहुत ही गंदी चीज हुए। अरे यार आंटी तू क्या ले, वो अपनी जिंदगी में खुश है, वो चल रहा है ना, तुमसे क्या लेना देना। जितनी भी फीमेल ऑडियंस है मैं तुम लोगों से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ यार, अपने फ्यूचर में ये सब हरकतें ना करना, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। जजमेंटल बनो लेकिन अपनों के लिए बहनचो, दूसरों के लिए नहीं। बात कर लेते थोड़े से खतरनाक रिश्तेदारों के बारे में, क्योंकि ये वो रिश्तेदार होते हैं जो कि तुम्हारे सीधा नंबरों के ऊपर कूदते हैं। मतलब इनको फर्क नहीं पड़ता भैया तुम्हारी स्किल्स कैसी हैं, तुम कैसा काम करते हो, क्या है कि ना 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 ना, ना। इनको तो सिर्फ नंबरों से मतलब रहता है, क्योंकि इन्होंने तो अपने बेटे की गांड में बेल्टे बेल्ट मार मार के उसको साइंस दिला दिए। पहले बता दूं अपने बच्चे की तारीफ करने से कभी पीछे नहीं हटेंगे, मतलब इतनी तारीफें उनके लड़के से अच्छा कोई हो नहीं सकता। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं, दोबारा ट्राई करेंगे और क्या बच्चों और कोई काम हम पे। मगर ये लोग जितनी हवाबाजी अपने बच्चों के लिए करते हैं ना उतने चूतिया बच्चा होता है, यकीन मानो मेरे भाई। इन लोग के सामने गलती से अगर मेरी तारीफें हो जाए ना तो आए हाय जो गांड जलती है, उफ़ भाई। तो इस वजह से इन लोगों से बोलना ना बोलना बात एक ही है, लेकिन जितना हो सके इनसे दूरी बना के रखो यार, वो तुम्हारे प्रॉफिट की चीज बता रहा हूँ। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। खैर सब रिश्तेदार इतने बुरे भी नहीं होते। आ गई माल आ गया आ गया आ गया। तो कुछ रिश्तेदार इतने अच्छे होते हैं ना कि आएंगे तो पहले गिफ्ट्स लेके आएंगे, उसके साथ में कहीं ना कहीं प्लान बना देंगे चलो कहीं घूमने चलते हैं, और घूमने के बाद में भी जब उनका जाने का वक्त आएगा ना तो कहीं ना कहीं दिल भी कहते हैं यार थोड़ी देर रुक जाए तो और मजा आ जाए, लेकिन उस चीज का शौक मना ही रहे होते तब तक ये क्या करेंगे, वो हम लोग को बुलाएंगे एक अलग से कोने कोपचे में लेके चले जाएंगे, और उसके बाद में अपने उस पुराने से काले रंग के बटुए में से एक 500 की नोट निकाल के तुम्हारे हाथों में से मोड़ के दे देंगे, और वहां फिर होती ऑस्कर लेवल की एक्टिंग। अरे नहीं 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 नहीं, मैं पैसे कैसे ले लूं ले ले नहीं 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 ले ले नहीं 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 ले ले नहीं 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 अरे ले।
तो यार बस फिर आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ एंड आई होप कि तुम लोग को वीडियो पसंद आई हो। इस पे कुछ खास व्यूज आएंगे नहीं, ये मैं अपने चैनल के ग्राफ को देख के भी बता सकता हूँ। मैं बस ये चाहूंगा कि अगर इस वीडियो से 20 या 15 ऐसे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ जाते ना तो भाई मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँगा। तो प्लीज़ जितना हो सके यार वीडियो को सपोर्ट करना, क्योंकि तुम ही लोगों जिसकी वजह से मैं ये सब कर पा रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक हूँ, वरना चैनल कब का बंद हो चुका होगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।